हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी, कृष्णा ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। लास्ट वीडियो में हमने थ्रेडिंग की स्टडी करी थी, तो वो उसमें क्या है कि प्रोग्राम टाइम काफ़ी लग गया था, तो हम G32 के साथ G78 को लेना चाह रहे थे, बट हम नहीं ले पाए। अब हम G78 की स्टडी यहाँ करते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा डाया है 30, जो हमने G32 में बनाया था, और पिच 1.5 है। और अब इसमें जैसा कि मैंने पहले पॉइंट बताए थे, पहले 5 पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट जो मुख्य होता है, ये होता है चैम्फर एट फेस। जहाँ पे हमें थ्रेड बनाना है उसके फेस पे चैम्फर लगाना ज़रूरी है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है ग्रू एट लास्ट ऑफ थ्रेड। थ्रेड के लास्ट में ग्रूव लगाना जरूरी है, जिससे इसके ऊपर जो भी पार्ट हमने चढ़ाना है तो वो इजीली यहाँ पे आराम से जा सकता है लास्ट में, ठीक है। तीसरा है इसमें जो मेन पॉइंट हमारा होता है फीट का, तो फीट इज इक्वल टू पिच हो जाती है। जितनी हम पिच ले रहे हैं उतनी हम फीट लेंगे। और चौथा जो हमारा पॉइंट है स्पिंडल आरपीएम। तो फ्रेंड, स्पिंडल आरपीएम का हम डिटेल डिस्कस पहले कर चुके हैं, उसमें काफ़ी डीपली डिस्कस कर लिया है कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हम 400 के समथिंग हम लेके चलेंगे, ठीक है। और जो पांचवा हमारा पॉइंट आता है, स्पिंडल आरपीएम हो गया, टोल पोजीशनिंग। टूल पोजीशनिंग इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पिच, मतलब पिच के मल्टीपल में रखनी है। जैसे मान लो 1.5 की पिच है, तो आप इसे 1.5, 3.0, 4.5 इस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसका मेजर डाया, हमारे पास अवेलेबल है 30 पिच है। तो पहले डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 0.6134 इंटू पिच। फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होगी? 0.6134 इंटू पिच, 0.6134 इंटू पिच हमारी कितनी है? 1। पिच हमारी है 1.5। तो ये हमारा आता है 0.9201, ठीक है। इसके साथ अब हमको चाहिए माइनर डाया, ये वाला माइनर डाया निकालेंगे। तो माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। मेजर डाया हमारा कितना है? 30.0। 30.0 माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारी आ रही है 0.9201। तो इसमें हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि मेजर डाया हमारा इतना है और डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो ये हमारा 28.195। तो फ्रेंड्स, हमारे ये सभी पैरामीटर्स वैल्यूज निकाल ली हमने। मैं आपको थोड़ा सा पिछले लास्ट वीडियो में तो बताया था, इसमें और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ
कि थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये बेसिकली क्रस्ट होता है और ये रूट होता है, ठीक है। और ये जो है ना, यहां से यहां तक ये हमारी डेप्थ ऑफ थ्रेड है, और एंगल, ये एंगल है फ्रेंड्स ए, तो एंगल हमने लिया है 60 डिग्री, क्योंकि हम मैट्रिक थ्रेड की स्टडी कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? मैट्रिक थ्रेड। अगर हमारा BSW थ्रेड होती तो एंगल हमारा 55 डिग्री होता, ठीक है ना। तो मैट्रिक थ्रेड की स्टडी कर रहे हैं, तो मैट्रिक थ्रेड में हमारा एंगल 60 है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O0021 21 नंबर हमने प्रोग्राम ले लिया। N1 G40 G80 G28 U0 W0 पोजीशन हमने कर ली। इसके बाद T0 टूल नंबर हमारा कितना है इसमें थ्रेडिंग के लिए, मान लो 4 ले लेते हैं, T04 04, और M03 एस हम 400 लेंगे, चूंकि RPM हमको कम रखने हैं। साथ में G97 दे दो, G97। अब हम टूल की पोजीशन करा देते हैं, तो टूल पोजीशन में G0 X 31.0 और Z। अब पोजीशनिंग में Z की वैल्यू हम मल्टीपल ऑफ पिच लेंगे, तो 1.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने Z में जो वैल्यू ली है वो डबल थ्रेड के बराबर 3.0 ली है, ठीक है। इसके बाद अब हम, जैसे हमने पहले G32 में प्रोग्राम बनाया था, तो G32 में क्या है कि पहले थ्रेड बनेगी, थ्रेड बनने के बाद फिर हमारा टूल ऊपर उठाएंगे, फिर बैक आएंगे, तो इसमें काफ़ी कम जो है ना साइकिल्स लगते हैं। केवल इसमें जो ऑपरेशन है ना G32 है वही लगाना है, रिटर्निंग के लिए कोई ब्लॉक हमें नहीं देना। तो पहले हम पोजिशनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला कट हम लगाएंगे, फर्स्ट कट हमारा, वो हमारा फर्स्ट कट होगा, वो होगा 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन का अगर हम कट लेते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू जो जाएगी वो 200, मैटेरियल रिमूवल 200 होगा, तो ये हमारा जो साइज आएगा 30 में से 200 अब लेस कर देंगे, तो ये जो हमारा पहला आएगा ये आएगा हमारा 29.8। उसके बाद हम 150 माइक्रोन के या 200 माइक्रोन के कट लगा सकते हैं। तो मान लो हमने 200 माइक्रोन का कट लगाया, तो 200 का नहीं, हम 150 का लगा लेते हैं, तो 29.5, चूंकि 150 माइक्रोन का कट होगा, तो 150 और 150 में ला के ये हो जाएगा 300, ठीक है। इसके बाद 29.2, 28.9, 28.6, 28.3, अब लास्ट हमारा क्या है, 28, लास्ट में 28.159, ठीक है। अब हमारे इतने कट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ टूल को पोजीशन कर दिया। पोजीशन करने के बाद अब हमें ये देखना है कि मशीन में जी कोड सिस्टम ए चल रहा है या बी है।
अगर जी कोड सिस्टम ए है तो हम जी 92 लेंगे, और जी कोड सिस्टम बी है तो हम जी 78 लेंगे। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जी 92 चलता है विथ जी कोड सिस्टम ए, और जी 78 चलता है वो चलता है जी कोड सिस्टम बी, जी एस बी, जी एस ए और जी एस बी, जी कोड सिस्टम। तो जी कोड सिस्टम को कंफर्म करने के लिए हम पैरामीटर चौतीस सौ एक में जाके हम इसको कंफर्म करते हैं। तो जी कोड सिस्टम का प्रैक्टिकली मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें प्रैक्टिकल के साथ दिखा दूंगा कि जी एस ए, जी एस बी, जी एस सी किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि हमारी मशीन में जी कोड सिस्टम ए चल रहा है। हम जी कोड सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, हम ए से बी में जा सकते हैं, बी से सी में जा सकते हैं। तीन जी कोड सिस्टम होते हैं, जी कोड सिस्टम ए, जी कोड सिस्टम बी और जी कोड सिस्टम सी। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चरर ने दे दिया जो सिस्टम है आप उसी पर चलना, नो, हम इसे चेंज कर सकते हैं। चौथी पैरामीटर नंबर 3401 की बिट नंबर 6 और बिट नंबर 7 के द्वारा जी कोड सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जी कोड सिस्टम ए हमारा चल रहा है तो उस समय क्या होगा, अगर जी एस ए है तो इसमें 3401.6 = 0 और 3401.7 = 0, ये दोनों बिट लो होंगे, 0.6 वाली भी और सातवें वाली बिट भी लो होंगे। अब हम आगे चलते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियो दे देंगे और ज़्यादा क्लियर करना है। अब क्या है कि हमने माना मशीन में जी कोड सिस्टम ए चल रहा है तो हम जी 92 यूज करेंगे, तो हम लेंगे जी 92 एक्स, एक्स हमारा कितना है 29.8, जेड माइनस 25.0 और फिर 1.5, फिर पिच के बराबर हमने लिए जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन और ये Z की वैल्यू 25, 25 mm की लेंथ में हमें चूड़ी काटनी है, और X की वैल्यू 29.8 हमने लिया है क्योंकि पहला जो कट है वो 29.8 पे है। इसके बाद सीधा G92 X 29.5 Z माइनस 25.0 फीड 1.5, ये हम लिखना चाहे लिखें नहीं तो यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमको टूल को थ्रेड के लिए पोजीशन करना, अगर हम G32 में चलाते तो हम क्या करते हैं, पोजीशन करते, पोजीशन के बाद फिर हमारी चूड़ी आगे कटती तो फिर हम यहाँ से बैक जाते, बैक जाके फिर इधर जाते, तो हर एक के लिए ब्लॉक देना होता, यहाँ पे इतने ब्लॉक देने की हमको आवश्यकता नहीं है, यहाँ सीधा थ्रेडिंग वाला ब्लॉक ही देना है। तो अगेन G92 एक्स, अब हमारा नेक्स्ट क्या है 29.2 एक्स 28.9 एक्स 28.6 और G92X 28.3 और इसके बाद G92X 28.159 और इसके ये सारा साइकिल चलने के बाद टूल ऑटोमेटिकली अपनी इस पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसे वापस कर देते हैं, तो वापस करने के लिए G28 U0 W0 M05 और M30। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, G78
तो ये बेसिकली कैंड साइकिल है, कैनार्ड साइकिल है, जो शॉर्ट साइकिल होते हैं, जिसमें क्या है कि एक कट लगाने के लिए जहाँ चार ब्लॉक यूज होते हैं, अगर हम कैनार्ड साइकिल का यूज करते हैं तो उसमें एक ब्लॉक यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे एक एक ब्लॉक यूज हुआ है, तो आप पिछले वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो G76 का आएगा, जिसमें हम स्ट्रेट थ्रेड के स्टडी करेंगे और टेपर थ्रेड की स्टडी करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा अपना इंस्टीट्यूट है पिछले 12 साल से, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम है, करीब CNC प्रोग्रामिंग BMC प्रोग्रामिंग दोनों मशीन हमारे पास हैं और कैट डेल कैम सॉफ्टवेयर है, तो सारा कोर्स मात्र 4000 रुपये में मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और आप बाकी वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।